सितारगंज महाविद्यालय में एक सप्ताह पूर्व हुए झगड़े में नया मोड़ आ गया है। तीन आरोपियों में से एक आरोपी नगर में रहने वाले कांस्टेबल का रिश्ते का साला है, जिसकी वजह से राजनीतिक दबाव के चलते उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को तलाक की धमकी दे दी। के बाद पत्नी ने अपने तीन बच्चों के साथ न्याय मांगने के लिए कोतवाली पहुंच गई और वहां पहुंचकर बच्चों पर तेल डालकर जलाने की धमकी भी दी। पूर्व में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को लेकर उसने FIR भी लॉन्च किया और दूसरा पक्ष भी मैंने सुना है कि न्यायालय गया है, लेकिन वो तो एक दिगर मामला है। एक मतलूब सिपाही है जो इस समय यहाँ पर तैनात भी नहीं है, वो किसी अन्य जगह पर तैनात है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जो झगड़े में नामजद उनका साला है, जिसको लेकर जो है कि राजनीतिक दबाव में जो है डिपार्टमेंट तो उन पर नाजायज तरीके से जो है दबाव बना रहा है और उस दबाव से इतना हरासमेंट वो मतलूब सिपाही हो। एक मुकदमा कायम है डिग्री कॉलेज के लड़कों में जो आपस में खड़ा हुआ था, तो उसमें एक ये बताया जा रहा है कि हमारे कांस्टेबल है मतलब चंपावत पोस्टिंग है कि उनका अभी एक साला है शेजी नाम का, तो उनसे बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि तो साला 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 मतलब का साला, उसको लेकर थोड़ा सा चल रहा था। हमने उनसे मदद मांगी थी पकड़ने के लिए कि ये मुकदमा कायम हो गया है तो जो लीगल प्रोसीडिंग है वो अपनाई जाए, सरेंडर हो या गिरफ्तारी हो, उसके लिए